भंडरिया प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये हम नहीं कह रहे। इस क्षेत्र के भिन्न भिन्न पंचायत के प्रबुद्ध जन जनता एवं भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंसे नागरिक का कहना है। आपको बताते चले कि भंडरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनेवा निवासी दिनेश यादव पिता लखन यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी भंडरिया अमित कुमार को आवेदन देकर बताया कि रोजगार सेवक अर्जुन कुजूर तथा कार्यक्रम पदाधिकारी भंडरिया को कूप निर्माण हेतु 34,000 रुपए मार्च माह में दिया था, लेकिन हमें नहीं कूप दिया गया और न ही पैसा वापस किया जा रहा है। आवेदन में बताया गया कि मेरा दिया हुआ पैसा वापस किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैनर तले प्रखंड मुख्यालय में धरने में बैठक को विवश होंगे, जिसके जिम्मेदार शासन की होगी। बैनर तले उन्होंने कहा कि भंडरिया प्रखंड में मनरेगा योजना एवं 15वें वित्त में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। धरातल पर कार्य शून्य है, कागज में योजना पूरा करा दिया जाता है। फर्जी मजदूर के साथ पदाधिकारी एवं बिचौलिए आपस में बंदरबांट करना आम बात है। मनरेगा योजना में रुपए पैसे दो और काम लो प्रथा बन गया है। भ्रष्टाचार कर्मी के ऊपर जाँच कर कानूनी कार्रवाई की जाए की मांग की गई है। बैनर तले प्रखंड मुख्यालय में बैठने को तैयार है। दीदी बाड़ी योजना में सभी पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया। एक घर में 10 योजना दी गई, केवल महिला के नाम दिया गया और योजना कोड बनाकर पैसे का निकासी कर ली जा रही है, जिसमें की पदाधिकारी और बिचौलियों का बहुत बड़ा हाथ है। भंडरिया प्रखंड से सत्येंद्र कुमार केसरी की रिपोर्ट।